लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिजी लॉकर में हम जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का एक और फायदा है फ्रेंड्स, जैसे किसी बच्चे ने 8th क्लास के या 10th क्लास के या 12th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दिया है तो अपना डिटेल मार्क्स कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर में बड़ी इजीली वो डाउनलोड हो जाता है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी बड़ा इजीली डाउनलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे जो है प्ले स्टोर ओपन करेंगे, वहां पे हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। तो आप ये देख सकते हो कि जब सबसे टॉप वाला जो आपका लिंक है उस पे ये लोगो बना होगा, उस पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा होगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपने, अगर आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ओपन का बटन आ जाएगा, क्लिक ऑन इट। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आपका इस पे अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो क्लिक ऑन क्रिएट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके पास फॉर्म ओपन हुआ है, ये सारा फॉर्म आप फिल कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपने 6 डिजिट जो पिन है, सिक्योरिटी पिन वो लगाना है। यहाँ पे वो आप कोई भी पिन लगा सकते हो। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ जाएगा फ्रेंड्स, जो जीमेल का है। उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ये सब फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने पिछले पेज में फिल किया था उस पे आपके पास ये ओटीपी आएगा। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है मेरे मोबाइल पे, तो मैं वो ओटीपी फिल करूंगा। उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप अपना जो यूजर नेम है वो सेट कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई भी यूजर नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो। यूजर नेम फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। ये देखिए, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर यूजर नेम ये पहले से किसी ने बनाया हुआ तो यहाँ पे एग्जिस्ट का आ जाएगा। तो ये यूजर नेम जो अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये हमारा यूजर नेम है जो वो क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेलकम और जो आपका नाम है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब हमने देखना है फ्रेंड्स, इसमें हम कैसे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आपके पास एक लेंस का बटन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फिल करोगे आधार। तो आधार पे जब आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपके पास यहाँ नीचे आधार ओपन हो जाएगा। तो इस पे आपने क्लिक करना है, तो क्लिक ऑन इट, प्रेस ऑन। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आधार के साथ, उस पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो मैं ये ओटीपी फिल कर दूंगा, क्लिक ऑन कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद जो आपका आधार कार्ड है वो आपके डिजी लॉकर में डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टिक जो है जो डाउनलोड का है वो ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो क्लिक ऑन बैक। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम अभी देखेंगे, क्लिक ऑन दिस लेंस और यहाँ पे हम अभी पैन नंबर है जो उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। पैन जब आप ऊपर सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो क्लिक ऑन इट, पैन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर है जो वो फिल करोगे।
नेम एज इन पैन कार्ड, पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। तो ये डिटेल फिल करने के बाद फ्रेंड्स, तो नीचे आपके पास गेट डॉक्यूमेंट का बटन है, क्लिक ऑन इट। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास पैन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग डॉक्यूमेंट, तो थोड़ी देर में ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने मार्कशीट आपकी डाउनलोड करनी हो तो ये आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे एजुकेशन का एक टैब है, ये देखिए एजुकेशन। एजुकेशन के टैब में अगर आप राइट साइड जाओगे इसको स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का लोगो बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे आपने डाउनलोड करना है, 10th की मार्कशीट है वो डाउनलोड करनी है, 12th की मार्कशीट है वो डाउनलोड करनी है, 5th की मार्कशीट है, 8th क्लास की मार्कशीट है, तो ये बोर्ड की क्लासेस की मार्कशीट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे क्लास 10th, क्लास 10th के लिए आप यहाँ पे रोल नंबर जब फिल करोगे आपका, तो उसके बाद किस ईयर में आपने जो है वो 10th की है, मान लीजिए आपने 2021 में की है। चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो तभी डाउनलोड होगा अगर आपका डॉक्यूमेंट पे और आपका जो प्रोफाइल नेम है, जो आपने ये अकाउंट बनाया, जो आपने ये डिजी लॉकर का अकाउंट बनाया है, दोनों पे सेम नेम होगा। तो यहाँ पे आप रोल नंबर फिल करोगे, उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट करोगे, तो यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप डिजी लॉकर पे अपने गाड़ी की आरसी डाउनलोड कर सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी कैरी करने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में रखो। अगर आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है तो आप डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट अगर शो करते हो तो वैलिड प्रूफ माना जाता है। तो इस तरह से डिजी लॉकर में आप अपनी LIC की पॉलिसीज हैं, तो हर तरह की जो पॉलिसीज हैं वो सब कुछ आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो जिससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको हार्ड कॉपी कैरी करनी नहीं पड़ती, और अगर हार्ड कॉपी आपकी पॉकेट में है तो अगर आपकी पॉकेट से वॉलेट गिर जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपका लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट घर पे रखो और डिजी लॉकर में अपने जो ई डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड करके रख सकते हो, बिकॉज दैट आर द ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।